बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में पहुंच चुकी है कि इसको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है और इसके हवारियों को अपनी बका खतरे में दिखाई दे रही है। इसके दिए से तेल खत्म हो चुका, शमा फड़फड़ा रही है। गुज़श्ता दिनों अफगान सरहद के करीबी इलाकों में दहशतगर्दों और पाक फौज के दरमियान होने वाली झड़पों ने सवाल खड़ा कर दिया। क्या TTB इन इलाकों में दोबारा मुतहरक हो गई है? क्या इसने अपने आम को फिर से मुनज़्ज़म कर लिया? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। दहशतगर्दों का ये ग्रोह अब रेजा रेजा हो चुका है, जिसमें TTP, जमातुल एहरार, हिजबुल एहरार, गंडापुर ग्रुप, शहरियार ग्रुप, गुल बहादुर ग्रुप और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा अफगान दाइश में ज्यादातर हिस्सा भी कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुनहरिफ दहशतगर्दों पर मुश्तमिल है। TTP के कमांडरों समेत तकरीबन 9000 जंगजू पाकिस्तान से आम माफी की इल्तिजा कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ये मुनकसिम जंगजू पाकिस्तान में पनाह की तलाश में है। जो सरहद पार कर रहा है वो पाक फौज के हाथों मारा जा रहा है। TTP के ये दहशतगर्द अब एहसानुल्लाह एहसान की तरह आम माफी चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने रابطे भी किए, लेकिन कबायली अवाम इनको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि माजी शाहिद है कि उन्होंने अवाम पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और कबायली लोगों की टारगेट किलिंग अभी भी जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान और मलहिका इलाकों में TTP के जानिब से दिफाई कमेटियों के अफराद को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। 2018 में टारगेट किलिंग के 40 और 2019 में 51 वाकयात पेश आए और 2020 में भी अब तक चंद वाकयात पेश आ चुके हैं। इन हालात में कबायली अवाम इनको कैसे कबूल करेंगे? दूसरी जानिब अफगान और भारतीय खुफिया एजेंसियां दाइश और TTP के सरकर्दा लोगों को कत्ल करवा रही हैं ताकि इनके जराइम पर पर्दा पड़ रहे, क्योंकि NDS और अफगानिस्तान में अपने बका की जंग लड़ रहे हैं और इनका मुस्तकबिल खतरे में है, क्योंकि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को साफ करने का अहद किया है। यही वजह है कि अब TTP अफगान तालिबान के कुन गा रही है। कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब एक ऐसे चौराहे पर पहुंच चुकी है जिसके आगे पीछे और दाएं बाएं हर तरफ मौत खड़ी है। इनका अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा हालात TTP के जवाल की जानिब बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कुछ कार्रवाइयां करके पाकिस्तान पर TTP से मजाकरात के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं या मजमूम मकासद रखते हैं, इनको TTP से इबरत हासिल करके अपनी सोच को तब्दील करना होगा, नहीं तो ढूंढने वालों को निशान तक नहीं मिलेगा। आइए हम और आप मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए अमली इकदाम करें।